साजिश है ही तो मुदाखलत थी तो ये साजिश का हिस्सा इन सारी जी 14 पार्टियों तो क्वेश्चन है कि अस अपने सरदार को अपने इलाके का एम एन ए असा इमरान खान के कंटेनर से देखो एक धुआंधार तकरीर करें इमरान खान के कंटेनर से मैं इस्लामाबाद ही उठाई हामी तो मैं लाहौर तकरीर करें मुल्तान देख सो इंशाल्लाह करे बिल्कुल गली हर मोहल्ले हर खूह के उत्ते लोग जड़े हैं वो इमरान खान के नाल खड़े इंटरफेरेंस से देखो ना मुदाखलत से सारे आदि जो मुदाखलत है वो आदि साजिश कोई नहीं मुदाखलत है इना फर्क भी सब कुछ सो साजिश तो रहीम अस्सलाम वालेकुम डिजिटल मैगजीन के साथ मैं हूं अदनान अंजुम। नाज़रीन मैं इस वक्त मौजूद हूं चोटी सहरीन में और मेरे साथ मौजूद हैं पीटीआई के साबिक एमएनए सरदार मोहम्मद खान लिगारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। इमरान खान ने कॉल की थी दुआ करे सो तो क्या लाए अमल है सर? लाए अमल ये है कि अपने हल्के दे सेंटर एज कोर्ट छोटे इंशाल्लाह आज सारे हल्के को जमा करे दे भी इनवाइट किए उन्हें को ते खान साहब जी आके 10 बजे उठा वो मौलाना तारिक जमीन नाल सारी मुल्क की हकीकी आज़ादी वास्ते दुआ करे सो। हकीकी आज़ादी का मतलब ये है जो सही सारी फॉरेन पॉलिसी जिमें पिछों तो सुनते रह गए उस जो भाई अमरीका सारे मुल्क जिले आख दे जेरी जंग पिला दे जेरी जंग चो कट गए ने जिमें इस्तेमाल कर गए हैं तो ये आज़ादी ना है। हूँ इमरान खान के आवन के बाद उनका फैसला यह है जो असा अपने मुल्क के फैसले असा आप करूँ को बाहर आए मुल्क ने बह के अमरीका या बरतानिया या कोई ब्याह मुल्क सारे फैसले ना करें तो हूँ वास्ते सारी दुआ है जो अल्लाह ताला को 47 आज़ादी दी है मगर हकीकी आज़ादी वास्ते असा हूँ जिद्दोजहद करें क्यों तो अल्लाह करे सी इंशाल्लाह इमरान खान की जिद्दोजहद तो पूरे पाकिस्तान की खसूसन यूथ की जिद्दोजहद अल्लाह ताला कबूल करे सी। सर इंटरफेरेंस से देखो ना मुदाखलत से सारे आदि जो मुदाखलत है वो आदि साजिश कोई नहीं मुदाखलत है इना फर्क भी सब कुछ सो साजिश ते मुदाखलत इना फर्क ते कल मैं इतजाज़ आसन साहब का एक इंटरव्यू देता खड़ा हमें उन्हें बड़ा ज़बरदस्त तरीके नाल बयान किए उन्हें आखे जो साजिश पहले थी दी है तो मुदाखलत बाद थी दी है मुदाखलत थी गई है जे सारे मने जो अमरीका अजन अदमाद की तरीक ना आई है इतना लेकिन हूँ अमरीका पहले आके आज अदम अतमाद अंधा पे तो जे अदम अतमाद कामयाब थी वेंदे इमरान खान हट वेंदे तो असा पाकिस्तान को माफ़ कर लेसूँ जे इमरान खान ना हटिया अदम अतमाद ना कामयाब थिया तो भला पाकिस्तान को कॉन्सिक्वेंसिस फेस करने पोसन साजिश है ही तो मुदाखलत थी तो ये साजिश का हिस्सा इन सारी जी 14 पार्टियां तो आते पे इन्हें एक एजेंडा है जो अपनी जेरी गैर कानूनी कमाई इसलिए साले करेंदे रह गए उनको ये पचा सकन उनको ये डिफेंड कर सकन हूँ तो देखो तोरा वजीर आजम जरा है उनके उत्ते फर्दे जुर्म लगना हा बिल्कुल अज दे दिहाड़े मेरे ख्याल 40 अरब रुपए का केस आ हूँ तो हूँ पुत्र का जैकू चीफ मिनिस्टर बने दे पे तुरी कैबिनेट चो मेरे ख्याल 3/4 मेजोरिटी जी है वो बेल दे उते तो ये हूँ तुसा आवाम आप फैसला करे कौम आप फैसला करे जो एक पास हो इमरान खान हा एक पास हो ये सारे हैं फैसला करो ये निज़ाम चल नहीं सकता ये निज़ाम के खिलाफ तो असा आवाज़ उठाई खड़े तो असा बासू कोई ना असा घर वापस नहीं आवना जे तई ये निज़ाम की तब्दीली नहीं थी दी जे हूँ देखो सर पूरा पाकिस्तान उठी पाया वो गाल नहीं जो इमरान खान कला वधे के तई जलसा करें हर गली हर मोहल्ले हर खूह के उत्ते लोग जड़े हैं वो इमरान खान के नाल खड़े हैं तो इमरान खान के नाल नारे मरेंदे पे ये आज तुसा सारी जरा रैली शमूलियत करे सो ते तो पता लग वे सी ये आज सवेरे असा अपने दोस्तों को आखे जो इवें शाम का किट्ठा थी उन्हें आज देख गए जीवन असा डिठे इमरान खान के जलसे भी डिठन रैलियां भी डिठन बहुत सारे लोग हैं इतने लोग होने के बावजूद मतलब कि चंद जमात या साजिश या मुदाखला तक पहुँचा उन्हें रलते इमरान खान को साइड तक घर छोड़े तो इतने लोगों का क्या फ़ायदा? सर देखो इमरान खान को साइड तो उन्हें नहीं किया इमरान खान को सिर्फ वजीर आजम की कुर्सी कने हटाया तुसा वी पंजवी MNA तो मुल घेन सकते हो या उन्हें दी तुसा वफादारियाँ तब्दील कर सकते हो तुसा 22 करोड़ आवाम को मुल नहीं घेन सकते 22 करोड़ आवाम का जरा फैसला है फैसला वो होंगे ये नहीं जो तुरी पार्टी कने तुसा 20-25 MNA को मुनहरफ करा के तो तुस आखो इमरान खान ख़त्म थी गए ना इमरान खान ख़त्म नहीं थे ना उनका नारा ख़त्म थे जे तई पाकिस्तान को इंशाल्लाह सीधी रात ना लेसूँ असा चैन नाल नहीं मान तो अपने इलाके कितना परसेंट लोग डिठे कि PTI के नाल
यार मैं कुछ मतलब है ही मैं समझो तो 800 भी बायस्ड ओपिनियन है, मैं कुछ 90% लोग जो हैं वो पीटीआई नाल, मैं शहबाज शरीफ वजीर आजम बने, मैं पाकिस्तान कहीं शहर कोई जलसा नहीं डिठा, कोई कुछ ही नहीं डिठी, ये जे जड़े वजीर आला का इलेक्शन थे तो आप डिठा पंजाब असेंबली किमें थे तो क्या थे उतना ना पता लगता मैंबर कौन है तो कौन नहीं, 200-300 बंदा बैठा पाया उत ही कोई खुशी नहीं डिठी, ना अपने इलाके डिठी है ना कि बीजा डिठी नहीं शिकवा है मैं भी ते बाकी सारे जी जितना भी यूथ है जो सपोर्ट करें दिए तो इलाके आते तो एक धुआंधार तकरीर जो एक जलसा आते तो आंदे नहीं वे क्या वजह ना ना बिल्कुल आंदे हैं जलसे वाली गाल जी है तो अरे ठीक है क्योंकि सारा मोस्टली देहाती इलाका है तो इतना जरा जलसे करण सारा एक रिवायत तो हाल हवाल दी है बलोच की रिवायत हाल हवाल दी है तो सारा मोस्टली काम उन्होंने नाल चलते क्योंकि मेरा ये रूरल एरिया जेले शहर बेंदे हैं जिम्मे कोट छुट्टे बेंदे हैं तो जेले डी जी खान शहर गए उतना जरा रिवायत या लाहौर चार उतना जलसे असा मतलब कि मैं आपको भी दिली ख्वाहिश थी कि असा अपने सरदार को सारे अपने इलाके का MNA असा इमरान खान के कंटेनर तो देखो एक धुआंधार तकरीर करेंगे इमरान खान के कंटेनर से मैं इस्लामाबाद ही उतें ही आमी तो मैं लाहौर तकरीर करेंगे मुल्तान देख सो इंशाल्लाह करे बिल्कुल करे सो चलो इंशाल्लाह उम्मीद कहते हैं सर शिकवे गिले दूर थे थैंक यू शुक्रिया सर थैंक यू।